बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे पहले जनाब, ईद माशाल्लाह नज़दीक आ चुकी है और लॉकडाउन भी लग गया, और लॉकडाउन लगने से पहले हम लोगों का क्या काम था, हम लोगों को भी चैन नहीं पड़ता, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। और ये जनाब सुबह सुबह 6 बजे करीब गई थी मैं चेज़ वैल्यू, क्योंकि मेरे छोटों के कपड़े रह गए थे और मेरी बच्चियों की थोड़ी सी ज्वेलरी रह गई थी, तो बस फिर इस चक्कर के अंदर मुझे जाना पड़ा चेज़ वैल्यू सुबह सुबह 6 बजे। मगर इतना प्यारा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरा तकरीबन सारा दिन ही शॉपिंग में लगा था और मेरी काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई थी जो कि मैं अगर आपसे शेयर करती तो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने कहा किस्तों में आपसे शेयर करती हूँ। अभी 1-2 दिन है ना ईद आने में, बल्कि अभी पूरे 5 दिन हैं। बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर तरफ खैर है, अल्लाह ताला खैर ही रखे, सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश रखे, आबाद रखे, जो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे और खुश रहने भी दें, खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह करे मेरी ये बात असर कर जाए लोगों पे। बस कहते हैं ना, आज मैं वो ड्रामा देख रही थी शहनाई, तो उसके अंदर वो यही बात कर रहे थे कि किसी को परेशान करने के लिए ना पहले ख़ुद परेशान होना पड़ता है। तो सही बात है, जो किसी को बर्बाद या कुछ करने की कोशिश करता है तो पहले उसे वो खुद होना पड़ता है, फिर वो किसी दूसरे को जाके करता है, तो इससे बेहतर नहीं है। और मज़े की एक बात बताऊँ, आप खुश रहें। और हाँ, एक और बात मज़े की, मैं तो अपने ऊपर जो गुज़रती है वही बताती हूँ, जो मैं अमल कर सकती हूँ मैं वही बात करती हूँ, आगे नहीं करती बात। आप जितने मसरूफ़ रहेंगे उतने खुश रहेंगे, सही बात है। और मसरूफ़ियत आपको ख़ुद ढूंढनी पड़ेगी, जो खाली दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है, उसमें कई इंसान ऐसी बातें जहन में खाम खा लेके आता है, किसी का स्टेटस देख के या किसी की कोई भी चीज़ देख के इंसान समझता है ये मेरे लिए है। भाई इंसान दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ें, और भी बहुत सी बातें हैं, उसके बारे में सोचें, खुश रहें और खुश रहने दें। खुश रहने से टेंशन नहीं होती, इंसान जितना खुश रहता है उसकी सेहत के लिए अच्छा है, चेहरा उसका फ्रेश रहता है और यंग रहता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसके लिए ख़ुद ब खुद हर चीज़ सही होती जाती है। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचने लग जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ सही होता जाता है। और नमाज़, कुरान, अपनी मसरूफियत बहुत है इंसान की, और इज़्ज़त करें और करवाएं, सबसे बड़ी बात। और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं उसे, हर चीज़ ऐसी है कि जो इज़्ज़त के साथ आप ले सकते हैं। अच्छा अखलाक आपको दुनिया के हर कोने में, हर एक जगह पे कामयाब करता है। हाँ, एक एज होती है, इंसान को समझ नहीं होती, अक्ल नहीं होती। हाँ, जो जो एज आती है, बड़ी होती जाती है, अगर आप समझना चाहें तो आप समझ के अपने आप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि छोटी उम्र के अंदर बंदा चेंज हो जाता है, जब बड़ी एज हो जाए तो चेंज होना मुश्किल होता है। हर छोटी छोटी बात को अपने ऊपर सवार करना, ये भी एक बहुत ही, और खुश रहें, खुश रहने दें, बस मेरी तो यही बात होती है। और हाँ, बस वीडियो मैं आपसे शेयर करी, इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला कल या परसों कोशिश करूँगी। कल एक तो इबादत की रात है, मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ, आप भी इबादत कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, जितनी इबादत करेंगे उतने आप खुश रहेंगे। और ताक रातें हैं, मांगें दुआएँ, दिल से मांगें दुआएँ और खुश रहें। और जो इंसान कभी किसी को तंग नहीं करता वो बहुत खुश रहता है, सीरियसली। बाकी देखें, बुरी बात, इंसान को बहुत सी बातें बुरी लगती हैं, बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और बस यही कह सकती हूँ मैं आपसे, और इंशाल्लाह ताला आपसे शॉपिंग हॉल भी शेयर करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, और एक हम ख़वातीन को होका ही बहुत होता है शॉपिंग का, सीरियसली। और अल्लाह ताला बस अपनी अमान में रखे इस कोरोना से, बचा अपनी तरफ से तो पूरी एहतियात करते हैं, ग्लव्स भी पहने, मास्क भी पहना, बुरका भी आया तो घर गाउन आके दोबारा से वॉश किया, वो दोबारा नहीं पहना, और बस दुआएं की सबके लिए। और देखें, एहतियात बहुत ज़रूरी है, कोरोना से एहतियात हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक आप में से किसी घर में हो जाए, तो अगले बंदे आपको ख़ुद एहतियात करनी है और सबको बताना भी है। अगर आपके घर कोई मेड है और वो बाकी जगहों पे जा रही है, उसका भी आपने सबको बताना है कि हमारे घर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी एक इकदाम कत्ल होता है कि अगर आपके घर कोई आ रहा है और आप उसे नहीं बता रहे और साथ बैठ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये भी एक इकदाम कत्ल है, उसी में शुमार होगा। शुरू पिछले साल ही काफ़ी खबरें लोगों ने टीवी में, मीडिया में
उन लोगों ने बहुत समझाया था। अब ये इतना पागल तो नहीं है ना लोग हुकूमत वाले कि आपको वो बंद कर रहे हैं सब कुछ, इतनी हिफाजत आप लोगों की जान के पीछे, वो लोग इतने वर्कर्स, इतने सराफा बाजार, इतनी चीज़ें, इतना अरबों खरबों का पूरी दुनिया में नुकसान हो रहा है डेली का, कोई ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं है ना। वो बेचारे हमारे लिए, हम सब की जान बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना उन लोगों के लिए कोई ज़्यादा बात तो नहीं है ना। वो लोग बाहर के मुल्क चले जाएं, वो तो जा सकते हैं, गरीब आवाम यहाँ पे है, वो कहीं नहीं जा सकती, उसकी एहतियात के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो कोशिश करें ज़िंदा रहें, खुश रहें, और दूसरों को भी खुश भी रहने दें और ज़िंदा भी रहने दें, और अपने जहन को सही रखें, अपने जहन को खुश रखें। आप, मैंने तो एक बात अपनी, जो मैंने अपनी नोट की है, आप कोई अपने ऊपर ले ले तो दूसरी बात है, बहरहाल ये मैं अपने लिए ही बता रही हूँ। और मैंने ये बात नोट की कि मैं जब किसी चीज़ को, अगर मेरा मूड सही नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे किसी का स्टेटस या किसी की वीडियो या कुछ देख रही होती हूँ, तो मुझे ऐसे फील होता है हाँ ये बात तो जैसे मेरे ऊपर हो। बनिस्बत हम उसी सोच को, ज़रा अपनी सोच बदल लें, तो कहते हैं ना अपनी सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। अगर हम अपनी सोच अच्छी रख के उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ समझ भी आएगी और फील भी होगी कि ये क्यों लिखा है उसने, उस बंदे की कोई मजबूरी है, कुछ उसके कोई तकलीफ़ है, वो परेशान है, कुछ है, तो उसने ऐसी बात नहीं की ना कि ये कि मुझे टॉन्ट कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि कोई किसी को टॉन्ट कर रहा हो, इंसान की अपनी कई परेशानियाँ दुनिया के अंदर, वो उसके बारे में भी सोच रहा होता है। और थोड़ा सा अपने जहन को ब्रॉड माइंडेड करें, ज़रूरी नहीं कि हर कोई, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है वो किसी दूसरे के लिए अपना टाइम वेस्ट करे। ये मेरे कप है जो आज के मैं चाय पी रही हूँ, यहीं से मैं लाई थी, मैं देख के बड़ी खुश हो रही थी कि देखें जी मेरे कप अभी भी पड़े हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। एक तो मैं बातें करती करती ना वो मुझे याद आ गया, अपने कपों को देख के खुशी हो रही थी। और हाँ, वो मुझे और गिफ्ट में आए मेरी फ्रेंड्स की तरफ से, वो भी दिखाऊंगी। मेरी खुशनसीबी है मेरी दोस्त बहुत अच्छी हैं और मुझे ईदी सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंड से ही आती है या फिर मेरे ससुराल वालों से मिलती है, और मैं अपने ससुराल वालों को देती हूँ, अपने दोस्तों को देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेके वालों में इतना कोई है नहीं जो ईदी वगैरह दें, और ना आती है कभी मेके से ईदी मेरी। मेरी ईदी आती है सिर्फ मेरे दोस्तों के घर से और मेरे ससुराल से। अल्लाह ताला जिसे जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सही बात है, माँ बाप से ही मेका होता है लड़कियों का, जब माँ बाप ही ना बचे तो फिर मेका कहाँ रहता है। मेका होता ही हमेशा बाप और माँ से है लड़की का, सही बात है। और सारी बेटियों की खुशियाँ तो होती भी नहीं से हैं, इज़्ज़त करवाना भी नहीं का काम होता है, और सबको मिला के रखना भी माँ बाप का काम होता है, और बहन भाइयों के साथ जो दोस्ती वगैरह सब कुछ ये माँ बाप का ही होता है। और बस अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हयात हैं ज़िंदगी वाले, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जिनके इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम आमीन। और ये जनाब चीज़ मेरे में बड़ी अच्छी चीज़ आई थी, और मैं बता रही हूँ आपको, सुबह सुबह का टाइम था, मुझे लगता था कि रश नहीं होगा मगर बहुत रश था सुबह सुबह भी, और पर्स और, अच्छा मेरी एक ना बहुत बचपन की आदत है कि मैं जब भी लूँगी ना तो जूते, और मेरा ईद का होता है कि मुझे नया शूज़ भी चाहिए, पर्स भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिए, और मुझे ना फिर ऐसे ईद लगती है जैसे खाली खाली सी। अगर मैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी बड़ी सारी हो गई, कभी ईद पे अल्लाह ने ऐसे नहीं किया, अल्लाह ताला ख्वाहिशात पूरी कर लेता। और वैसे कहते हैं ना जो चीज़ आप शिद्दत से मांगो तो वो आपको मिल ही जाती है। और मेरी बड़ी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात हैं, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी ख्वाहिशें, वो मेरी सहेली है तहैया, वो मुझे यही कहती है तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ, सही बात है, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी ख्वाहिशें। और बस अल्लाह ताला कामयाब करे, खुश रखे, और बस जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला पूरी करे। जो मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। और जो नहीं पसंद करते, जो नफ़रत करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी उन सब की भी। और खामखा की नफ़रत करते हैं उनका तो और ज़्यादा शुक्रिया, और जो मोहब्बत करते हैं उनका तो दिल से दुआएँ निकलती हैं उनके लिए। और ये देखें जनाब ड्रेसेस बड़े प्यारे प्यारे से, बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस, वाओ सच्ची। एक तो पता क्या है, मेरे साथ तो कुछ ऐसा मसला है कि मैं कहती हूँ बस मेरा दिल करता है कि मैं बहुत 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 सारी शॉपिंग करूँ, करती रहूँ, बड़ा मज़ा आता है। वो कहते हैं ना पूरी दुनिया की शॉपिंग, अल्लाह ताला वैसे सारी खवातीन की यही रूटीन होती है सब भी, मेरी तो जितनी सर्कल में मेरी सहेलियाँ उनका तो मुझसे भी ज़्यादा होता है, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह शायद हमारा फ्रेंड सर्कल ही कुछ ऐसे बन गया। बड़े प्यारे ड्रेसेस थे, और ताक रात इबादत की रात गुजरी, बड़ा मज़ा आया सच्ची मुची, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बड़ी इबादतें दी हैं। और
सब्र भी दिया, यकीन करें। कोई ऐसी बात बुरी लगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, कुछ था, वज़ू किया, दो नवाफिल पढ़ी, अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह पे छोड़ दिया। जो नाहक करेगा किसी के साथ, अल्लाह की मार पड़ती है, उससे सही बात है। और जो हक में होता है, अल्लाह ताला, जो किसी के लिए गलत सोचता है, कुछ करता है, यकीन करें अल्लाह ताला एक ना एक दिन उसके लिए गलत कर ही देता है। कोई भी अगर किसी के लिए गलत सोचेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे खुद ही बता देगा कि वो गलत है या नहीं है। और अल्लाह ताला बहुत 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 मेहरबान है, मेरे तो यकीन करें। मैं आपको बस सब कहते हैं ना, सबका अल्लाह बाकी शेरक से भी करीब है, और हमेशा 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 हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आप पुकारें, आपको यकीन करें, गैब से मदद होती है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ये हकीकत है। और ये ड्रेसेस देखें क्या प्यारे से हैं, और ये कहना भी नहीं चाहिए कि हमारा कोई नहीं, हमारा अल्लाह है ना, और अल्लाह जिसका है तो उसका सब कुछ है। जिसके पास अल्लाह है ना उसके पास हर चीज़ है। और बताएंगे आपको ड्रेसेस कैसे लगे। और इंशाल्लाह ताला ये मैं बाहर आ चुकी थी और रश हो चुका था सुबह 6 बजे से, जैसे ही हम बाहर निकले तो फ़ौरन ही माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा खासा रश पड़ चुका था। शुक्र है हमारे होते हुए इतना रश नहीं था, हम लोग आराम से सुकून से शॉपिंग करके बाहर आ चुके थे, और उसके बाद अंदर इतना रश नहीं था, अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल था। और जनाब ये अब हम घर जाऊँगी, घर जाके नहीं, अभी तो मैंने और जो शॉपिंग करनी है, और उसके